तो गाइस नमस्कार, केम छे हो, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। और आज आपकी ब्लॉग शुरू हो रही है इस ट्रेन के साथ, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। और मनीषा के घर से जब मैं अपने घर जाता हूं तो ये ट्रेन दिखती है मनीषा की। देखिए मनीषा का ससुराल वाला लुक आ गया थोड़ा सा। अपने मायके से भी आ रही है। और हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे ढाला बंद ही हो जाता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है और उम्मीद है कि आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। गाइस चलिए आप चलते हैं, चल के देखते हैं कि घर पे मम्मी पापा सबका क्या रिएक्शन रहता है। वैसे सबको तो पता ही कि हम लोग आ ही रहे हैं। तो विल ट्राई टू शूट, लेकिन अब मेरे पास बहुत सारा सामान है। होप एवरीथिंग गोज ग्रेट और आप लोग भी मजा आएगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये एक मेरा शर्ट में कितने सारे ब्लॉग्स बन रहे हैं, चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला गाइस। यू पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो ये मेरी बंद क्यों हो जाती है ये? नहीं बैटरी ब्लॉक नहीं है। एक और ट्रेन आने वाली है। ओ माय गॉड, देखिए फाटक खुल नहीं रहा। ट्रेन आएगी थोड़ी देर में। ये हम लोग अपने गलियों में पहुंच चुके हैं और आप देखिए यहाँ पे अपनी गाड़ी वाली जगह पे गाड़ी वापस लग रही है 4-5 बजे बाद। गेट पहले ही खुला हुआ रखा हुआ है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं फाइनली। और यहाँ पर अब मम्मी अपना हाथ का हुनर दिखा रही है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई है अपने ब्लॉग में। और ये बता रही है कि मैं ये 350 रुपये का सिलवाती हूँ एक एक ब्लाउज का। खैर बहुत थकान हो चुकी है, अभी हम लोग सोने जाएंगे। पापा भी सो ही गए हैं और अभी कल अवार्ड सेरेमनी है एक, वहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है। बहुत सारी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। ये तो मम्मी के साड़ी के कॉलर का ब्लाउज है। जैसे आप सिली है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। कौन सा सिली है? ब्लैक वाला है, पूजा रेडी वाला भी। अब बातचीत चलती रहेगी। खैर अब कल सुबह से शूट करेंगे, आज मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मनीषा ड्यूटी पे लगी हुई है और ये हमारा रूम वैसे ही। हाँ ये कबाड़ी करके रखती है और ये चल क्यों ही रहा है भाई, सब कुछ बिल्कुल। थोड़ा सा इसका स्मेल अलग अलग हो गया है ना, नया नया टाइप का लग रहा है। हाँ, अच्छा है। अब कल मनीषा नहाएगी तो अच्छा लगेगा ज्यादा। हाँ। अरे चूड़ी भी पहन ली है। तो आप लोग देख सकते हैं हमें, हम लोग यहीं पर पहले टिकटॉक भी शूट करते थे। इस पे ऑयल ऑयल टाइप का धब्बा लग गया, इसको धोना पड़ेगा कोलीन से। मेरा हाथ ही कोलीन है। और हम लोग यहाँ थोक से यहाँ आने में गोरे लग रहे हैं ना। हाँ वो पीला वाला लाइट जल रहा है ना ऊपर, इतना बड़ा है। तो कल हम लोग कब कल से शॉर्ट वीडियोज भी बनाएंगे यहाँ पे। कल तो मुझे रेडी होके जाना भी अवार्ड सेरेमनी में। और तो आपका कपड़ा नहीं आया है, पीटर पे करेंगे। देख लीजिए आप, कोई तो ढूंढ रहे थे पूरा। दोस्त है झूठ बोल रहे थे। एनीवेज गाइस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। कल सुबह उठते हैं फिर आपको उस समय इंटरेक्ट करते हैं नेक्स्ट व्लॉग का, मतलब जो पार्ट होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे आई होप। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर, अभी नहीं कल रात में सो के अभी उठ गई थी। और मिस्टर राज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये देखिए इनको नींद ले रहे हैं। ये देखिए हेलो मुनी। हेलो, कैमरा उधर होना चाहिए, इधर मुंह कर दी। कैमरा थोड़ा अलग हो गया है ना, तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा पता ही। और ये है हमारा यहाँ का रूम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना धीरे आवाज़ क्यों आ रहा है, मेरा गला थोड़ा सा अजीब हो गया है। देखिए इनको थोड़ा रेडी हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। यहाँ थोड़ा नहा धोवा ले रहे हैं, वहाँ तो नहाते भी नहीं थे। हाँ इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लेजर दे दी हूँ। अभी ये जाएंगे कहाँ पे, यहाँ का जो टाउन हॉल है वहाँ जाएंगे। और वहाँ पे
बहुत बड़ा मीटिंग है जो कि आप लोग देखेंगे, मैं वो नहीं बताऊंगी, वो मिस्टर राज दिखाएंगे। और ये रेडी देखिए ना कैसे हो रहा है, यहाँ पे मेरा अलमीरा है और यहाँ पे ये है, और ये अलमीरा में देख देख के अपना सीन लगा रहे हैं। और ये मैम वो पीछे मेरे सिस्टर राज है और वो हेयर ड्रायर कर रहे हैं। तो गाइज अभी ये लोग जाएंगे टाउन हॉल में और खूब सारा मस्ती करेंगे ये। और मैं कहाँ हूँ, ये देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फाइनली अब मिस्टर राज पूरा रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और ये कहाँ जा रहे हैं अभी पता नहीं है। टाई क्यों मोड़ रही हो? कहाँ टाई मोड़ रही हूँ मैं? कहाँ जा रही है मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप लोग को जरूर पता चल जाएगा, है ना? आप लोग बने तो अभी इनको थोड़ा सा क्रीम लगा के चमका दे ताकि मस्त लगेंगे, है ना? और मेरे पास तो जेंट्स का कोई क्रीम नहीं है, लेडीज का है, तो मैं इनको व्हाइटनिंग पोत देती हूँ। और क्या, देखिए मेरे एनिवर्सरी का बिल अभी तक रखा हुआ है, कोई पैकेट में लेके घूम रहा है। तो गाइस अब हम लोग निकलने की तैयारी में है, मम्मी भी हो गई है रेडी। मम्मी हाय बोलिए। हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं ना कितना लेट लग रहा है इनको, अभी पूरा इन लोगों को तैयार होने में 1-2 घंटा लग सकता है। पिछले 45 मिनट से रेडी हो रही हूँ मम्मी। नहीं यार 5 मिनट भी नहीं, रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा तो 50 मिनट में टोटल रेडी हो जाएंगे। आप कब जाइएगा? अभी निकलेंगे। चलिए तब लेके चले। तो गाइज अभी मैं अपने स्कूल गया हुआ था और स्कूल से अब मैं जा रहा हूँ सीधे टाउन हॉल जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होने वाला है। और अभी थोड़ी सी ट्रैफिक में फंस गया हूँ, पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड्स वगैरह भी ऐसे रखे हुए हैं, ये सब वहाँ पे रखना भी है मुझे। बाकी सब लोग अभी बिजी हैं, हर बार तो प्रोग्राम होस्ट मैं ही करता था, इस बार देखते हैं कौन होस्ट करता है। और जहाँ तक मुझे लगता है देखते हैं, लेट्स सी हु इज़ द होस्ट। बाकी पापा ही सारा ऑर्गेनाइज करवाए हुए हैं और पूरी एसोसिएशन, तो लेट्स सी। वेल एवरीवन, तो ये जो प्रोग्राम था ये प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का था, जहाँ पर पूरे सिवान जिला के प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर्स का एक मीटिंग था। और चीफ गेस्ट के आने के इंतजार में यहाँ देखे, चीफ गेस्ट के आते साथ ही फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। और जो भी लोग साथ में दिख रहे थे सारे स्कूल्स के डायरेक्टर थे, अलग अलग स्कूल्स के, और इतने सारे डायरेक्टर्स, बगल में पापा जी भी थे, और सब लोग इकट्ठे बस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो सैयद समाइल अहमद सर हैं, आप लोग देख सकते हैं इनके बारे में डिटेल्स भी, बहुत ही खुशी की उम्र लहर इसमें उमड़ पड़ी थी। उसके बाद इनको सिक्के से तोला गया, जो कि एक बेहद ही अद्भुत पल है। और हर बार जब भी ये सिवान में आते हैं इनको सिक्के 65-70-75 किलो का जो भी होता है इनको कॉइन्स से वेट किया जाता है, और ये सारे कॉइन्स इनको एज अ गिफ्ट और टोकन ऑफ लव इनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आई एम सचिन दास, द एमडी ऑफ चंपावत हाई स्कूल, एंड फ्रॉम द डीप पूल ऑफ माय हार्ट वी थैंक प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान इतना लंबा सा एक प्रोग्राम चल ही रहा था, पैर में बहुत दर्द हो गया, मेरे बाल की ऐसी की तैसी भी हो रखी है। साथ में कुछ बच्चे हैं मेरे स्कूल की, बालिकाएं हैं, कह रही हैं कि सर फोटो खिंचवा लीजिए। और इन लोगों का आज फेयरवेल भी हो गया। ये कब से पढ़ रही थी, इधर आओ, ये कौन से क्लास से पढ़ रही थी? LKG से। ये LKG से 10th करके जा रही है हमारे यहाँ से, काफ़ी लंबा सफ़र है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इसके तो बड़े भाई दो निकल गए। खुशबू भी बहुत पहले से, कब से पढ़ रही है? ये 6th से पढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट 5 सालों का सफ़र। तो बच्चों का सफ़र ऐसे ही कट रहा है, ये देखिए ये सारे भी बच्चे हैं, ये थोड़े बड़े हो गए हैं, वैसे छोटे छोटे बॉल से खेला करते थे। अब तुम लोगों को कैसा लगा मेरे साथ का सफ़र? ये वो बच्चे हैं कि मेरे एक स्टिक उठते साथ खौफ बैठ जाता था, लेकिन अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब अपने फ्यूचर में ये लोग अच्छा करें, ऑल द बेस्ट सबको। और कुछ कहना चाहोगे तुम लोग अपने सर के बारे में तो बोल दो। लो आज ये मेरे बारे में कुछ कहेंगे, इधर आओ, यहाँ पे इसको बंद कर दो। चलो मुस्कान, क्या कहना चाहोगे? मेरे सर सबसे अच्छे हैं, एक दिन एक सुपरस्टार भी बनेंगे। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहती है?
साथ जब भी रहे लोग बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू। खुशबू, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस स्कूल में आई और मुझे सचिन सर से मुलाकात हुई क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छी टीचर है। रिया भी बहुत अच्छा लगा, सर बहुत अच्छे थे और पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, और तुम लोग में कुछ ये सारे कार्टून नेटवर्क अच्छा लगा? वीडियो कंटिन्यू है, हाँ बोलो। जय हिंद। तो गाइस एक चीज तो है, लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां निकल चुकी हैं आगे। लड़के देखिए शर्मा रहे हैं और लड़कियां कितना कुछ बोल के चली गई। खैर, इन सभी के साथ बचपन से एक छोटा सा सफर था, बहुत अमेजिंग पार्ट था लाइफ का। और बीइंग अ प्रिंसिपल मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब हर साल बच्चे जाते हैं थोड़ा सा सेंटिमेंट, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं मैं। खैर, उम्मीद है कि सारे बच्चे अपने फ्यूचर में अच्छा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ इन सभी को फेयरवेल, हैप्पी एंडिंग। और चलिए ब्लॉग को तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, बीआरपीज वगैरह भी बहुत सारे लोग थे और सभी लोग कुछ कुछ वेल विशेस दे रहे थे। उसके बाद प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो फिर वहाँ के कुछ स्कूल डायरेक्टर्स और भी थे जो बोले कि सचिन सर आपको सम्मानित करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली अब यहाँ का प्रोग्राम हो गया है ख़त्म, बिल्कुल सब कुछ वाइंड अप हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई आज, ये देखिए बिल्कुल अब अंधेरा भी हो गया। वेल गाइस, तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और ये देखिए इनका घर वाला रूप खतरनाक ही लग रही है। तो अब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था गाइस आज का स्केड्यूल। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, अगला ब्लॉग में मिलते हैं। अगला ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार हुआ सारी फैमिली वालों के साथ।